हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है, अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950-6900-21। नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें इस समय गांव गड़ी सिकंदरपुर से देख रहे हैं। FCI के गोदाम में हम लोग खड़े हैं। FCI का गोदाम, यहां से जो चावल है वो यहाँ से पैक होकर जो है जाता है ट्रांसपोर्ट के जरिए UP और दिल्ली की साइड। लेकिन अभी एक जो टेलीफोनिकली हमारे पास सूचना मिली थी उसकी सच्चाई जानने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत यहाँ पर पहुँचा। यहाँ कुछ जानकारी ये मिल पा रही थी कि चावल के कट्टों में पानी जो है डाला जाता है वजन बढ़ाने के लिए। पहले उसमें वजन घटाने के लिए वहाँ से चावल के कट्टों में से चावल उतारा जाता है, उसके बाद उसका वजन बढ़ाने के लिए पानी डाल दिया जाता है, वजन बढ़ाकर जो है आगे भेजा जाता है। बड़ा तगड़ा जो गोलमाल है उसी को लेकर टेलीफोन के लिए हमारे पास सूचना आई थी। इसी की सच्चाई जानने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत इस समय FCI के गोदाम में पहुँचा है और इसी को लेकर अभी हम लोग पहले अंदर के हालात दिखाते हैं और जिन सज्जन ने हमें सूचना दी थी फिर उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। पहले अंदर चलते हैं। ये FCI का गोदाम गांव गड़ी सिकंदरपुर से जो सड़क काबड़ी की ओर जा रही है उसकी तरफ ये जो है गोदाम आता है, हैफट गोदाम है ये। और यहाँ से जो है चावल इस समय पैक होकर जो है दिल्ली और UP की साइड जा रहा है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बड़ा घोटाला यहाँ आने की जो है सूचना हमें मिली थी। ये गोदाम है, यहाँ पर ये चावल के कट्टे जो हैं लगे हुए हैं। इस साइड के हालात आपको थोड़ा दिखा दें। यहाँ देखिए पानी की आपको दिख रहा होगा, नीचे पानी मारकर जो है वजन पूरा किया जा रहा है। और जैसे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो यहाँ से लेकर जाते हैं उन्होंने इस घोटाले को पकड़ा, क्योंकि जब ये ट्रांसपोर्ट से माल लेकर जाते हैं तो ड्राइवरों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने रास्ते में पानी डाल दिया। लेकिन इस मामले की क्या सच्चाई है अभी आपको उस सच्चाई के बारे में भी अवगत कराएंगे। तो पहले ये वीडियो देखिए, आपको वीडियो दिखा दें। यहाँ पर सुबह जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने वीडियो भी बनाई है। पानी है नीचे, थोड़ा सा वीडियो आप देखें, सीधा करें। ये अंदर की वीडियो, ये देखिए पानी है नीचे। ये पानी मारकर कट्टों का जो है वजन पूरा किया जा रहा है। ये सुबह की वीडियो बनाई गई थी जब यहाँ पर काफ़ी सारा पानी इकट्ठा था। उसके बाद जैसे मीडिया की सूचना लगी कि यहाँ पर मीडिया पहुँचने वाला, तब इन पानी को जो है सफाई कर दी गई यहाँ पर। पहले इस वीडियो में देखिए क्या है पूरी सच्चाई, उसके बाद अंदर के हालात आपको दिखाएंगे। ये सुबह इन्होंने वीडियो बनाई थी और उसके बाद वॉइस ऑफ पानीपत को संपर्क किया था। ये देख सकते हैं पानी नीचे खड़ा हुआ है और चावल के क्या हालात, अगर चावल के दाने को उठाएं तो वो आटा सा बन जाते हैं। अभी अंदर चलते हैं, अभी आपको और भी हालात जो है दिखाते हैं। ये यहाँ तक जो है पानी पहुँचा हुआ था। अभी यहाँ की बात की जाए तो ये जो है चावल का दाना बिल्कुल सड़ गया है, कब से पानी डाला जा रहा था ये अभी इस पर जो सूचना जो है जानकारी पूरी लेंगे। ये नीचे के जो हैं जहाँ जहाँ पानी पहुँचा है वहाँ के हालात हैं। अब जो चावल का दाना है बिल्कुल सड़ गया है। ये हैफट के गोदाम की तस्वीरें हम लोग लाइव जो है वॉइस ऑफ पानीपत पर अब आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कोरोना का कहर जो है पूरे देश में और दूसरी तरफ ऐसे घोटाले सामने आए। अफसर भी ताल लग रहे जी, अफसर को आने दो, अफसर से भी जो है तो उनके आने के बाद मिला ला लियो ना भाई। लेंगे आप कौन ना, एक बार उन तक आप कौन मैं यही हैफट में। कोई बात नहीं, आप सभी बात कर लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, कर लियो आप, बुला लो आप, लग रहे जी फिर कर लियो ना भाई। हाँ जी आल लग रहे हैं। क्या करते हैं? मैं भी हैफट में चौकीदार हूँ। चौकीदार हूँ जी। तो ये पानी कहाँ से है? पानी बारिश का जी। ये अंदर पानी का बारिश क्या कर रहे हैं? बारिश का जी मंकी डोर है। हाँ। मंकी डोर है जी। हाँ। मंकी डोर से आया ये। हाँ।
तो इस साइड अंदर सारा बारिश उस साइड की है, इस साइड पानी दिखा दो ना, इस साइड कोई पानी नहीं है सर। आप जो इस साइड देख रहे हैं जो ये चावल का देखा आपने, मैं आपको सारे गोदाम दिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर यहाँ तक अगर पानी की पहचान तो होगी, पानी आया तो दाग तो होगा ना वहाँ पे, तो वो दाग दिखाने के लिए तैयार हूँ। हर एक गोदाम में इस साइड आपको पानी नहीं मिलेगा, उस साइड पानी मिलेगा। तो उस साइड की बारिश थी इसलिए, उस साइड की बारिश। हाँ सर, तो कहाँ से आया बारिश ये दिखाएंगे थोड़ा। ये देखो आप, ये भी बनाओ ना, देखो सर इसमें ना ना तो जालियां है ना कुछ, इस चीज की सुविधा है नहीं इसके अंदर। ये मल्टी डोर हमारा, हम दरवाजे शटर वगैरह एकदम बंद नहीं रख सकते चावलों का, ये एकदम बरसात। आपको मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे, 10 तारीख को जब बरसात आई थी एकदम अचानक बरसात आई और भारी तूफान के साथ बरसात आई, यार वो जो है ना एकदम मतलब हम दरवाजे बंद नहीं कर पाए, इसलिए बरसात का जो बुछार है वो सिर्फ यहाँ तक आई है और कहीं भी किसी भी गोदाम में यहाँ नीचे के यहाँ नीचे तक पानी आया। ये देखो ये बुछार आई है ना सर, यहाँ तक पानी आई है बुछार तक, जहाँ जहाँ तक पानी जाएगा तो जाएगा, उसको कौन रोक सकता है। आप ये कह रहे हैं कि बारिश का पानी है, बारिश का पानी है यहाँ। आपको कॉन्ट्रैक्टर साहब, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं जो माल यहाँ से लेके जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, इनके जरिए जो सूचना हमारे पास आई थी, क्या कहना चाहेंगे ये सारे इसमें? सर मैं यहाँ से माल लेके जा रहा हूँ, मेरा दिल्ली भी जा रहा है और मेरा यूपी भी जा रहा है, वहाँ पर मुझे शिकायत आ रही है कि माल में पानी लगा हुआ है, तो उसमें वो हमारे ऊपर शक करते हैं कि हम लोगों ने पानी लगाया है, जबकि यहाँ पर आज हमने मौके पे देखा है कि कई जो चट्टे डिस्पैच रेडी टू डिस्पैच थे उनके ऊपर पानी है, बाकी चट्टे सूखे हैं। आप पीछे जाके गोदामों में देखिए, जो चट्टा अंडर सीट है उसके बारदाने का आप देख लीजिए स्टेटस क्या है, और जो डिस्पैच में चट्टा है उसका बारदाना देख लीजिए, आपको सारा पता लग जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है सर, हमें तो आगे से कंप्लेंट आ रही है। ये कब की बात है, कब कंप्लेंट आई थी आपको? सर हमें पिछले 10 दिन से कंप्लेंट आ रही है। अच्छा, तो ये कह रहे बारिश 10 तारीख को आई है, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं, इनकी आपसी लड़ाई है, हमारा कोई नहीं है, कॉन्ट्रैक्टरों का यहाँ काम नहीं चलने दे रहे आपस में, हमारे को भी सफर कर रहे हैं, जानबूझ कर हरासमेंट कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, गालियां देते हैं हमारे को, माँ बहन तक की गाली देते हैं, मैं सुना सकता हूँ, फोन में रिकॉर्डिंग है। ये जो ठेकेदार है, ये वास्तविक ठेकेदार का मेरे को पता नहीं है, ये लेबर का ठेकेदार है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर हम पानी नहीं मारते। आज तक मेरा रिकॉर्ड है 24 साल की नौकरी हो चुकी है, कोई भी मेरा कोई भी रिकॉर्ड के अंदर कभी भी पानी लगाया हो। अरे ये बात रेडी टू डिस्पैच ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे पानी लगा हुआ है, यदि आप टीम को बुला के इसकी इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, इसके कहने से नहीं ये फैक्ट होता कि भाई ये मैनेजर किसी आए हैं एफसीआई से और वो इसको प्रूव करेंगे कि इसमें पानी लगा है कि नहीं लगा है। हमने कोई पानी नहीं मारा है, यह सिर्फ बरसात का पानी है, तेज बरसात आई थी, बहुत तेज बरसात आई थी, सारा मंडियों में गेहूँ बिक गया, सारे जो भी जहाँ भी राशन थे जो भी इनकी, ये खुद ड्राइवरों से पानी मरवाते हैं, रास्ते में पानी मरवाते हैं, वजन को पूरा करवाते हैं और यहाँ कहते हैं हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, कंडा छेड़ दिया, कभी कभी को पानी तो निकलवाएंगे, जब बरसात का पानी है तो 10 दिन हमने सफाई करवाई है, ये हर हर गोदाम का पानी, ये बारिश भैया बारिश 10 तारीख को आई आप कह रहे हैं, सुबह तक कल भी बारिश, सुबह तक पानी, ये पानी कल भी बारिश आई है सर, तूफान भी आया कल, बारिश भी आई है, ठीक है ना। ये तो ये जानबूझ के जो है ना मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं, जानबूझ के हरासमेंट कर रहे हैं ये लोग, ये क्योंकि इनके आपसी ठेकेदार की लड़ाई है, यहाँ गाड़ियां लाइन में लेते नहीं, वहाँ ठेकेदारों की मतलब मोटोडा मंडी की यहाँ 10 दिन से गाड़ियां खड़ी है, बेचारे भूखे प्यासे मर रहे हैं और ये इतना सहनशाही दिखा रहे हैं, गाड़ियां लेते हैं लाइन में, मैं तुलवाऊंगा, मैं नहीं तुलवाऊंगा यहाँ पे गाड़ियां, और तो आप रोकना मेरे को कौन रोकता है, यहाँ लेते हैं लाइन में और लगा देते हैं इनके ड्राइवर, और मतलब ना हम रोक पा रहे हैं और ना ये सहनशाही पूरी दिखा रहे हैं। ये लड़ाई तो ट्रांसपोर्ट की अलग होगी, मारे को पीस रहे हैं क्योंकि हम वो चलाते हैं ना, हमने कहा अभी लाइन में लिया गाड़ियां भाई खाली भरी है, जिसके अभी नंबर आएगा वो हो जाएगी, खाली होगी चाहे भरी होगी, लेकिन ये नहीं मानते, ये खाली के अलग लाइन लगवाओ और भरी के अलग लगाना, लेकिन इसलिए मंडी में तोड़ा का जहाँ यहाँ स्टॉक आ रहा है वो नहीं मानते इस बात को, वो ये कहते हैं अगर भाई लाइन में लगवाओ, कल भी मैसेज आया था प्रधान मंडी का, वो कह रहे हैं कि यहाँ गाड़ियाँ लाइन में उतरेंगी, लेकिन इन्होंने कहा कोई लाइन नहीं लगेगी, हम अब जैसे हम चाहेंगे ऐसा काम होगा, बताओ सर हम कैसे करें, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है, वीट की रसीट एक अलग ऑपरेशन है,
और राइस का डिस्पैच एक अलग ऑपरेशन है, दोनों की लेबर सेपरेट है, ना वीट वाली लेबर राइस में काम करती है ना राइस वाली लेबर वीट में काम करती है। राइस डिस्पैच है, पीडीएस का प्रेशर है कि पीडीएस सप्लाई करनी है हमने स्टेट टू स्टेट, राइट, उसके लिए हमें डिस्पैच, हमें 580,000 बैग उठाना है हमें पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, जो हमने यूपी और दिल्ली वगैरह लेके जाना है। अब जो है कि हमने इनको कल भी ये कहा था कि कोई उसमें कोई लड़ाई नहीं है, ये बेबुनियाद आरोप है, ये आज पकड़े गए हैं इस वजह से ये बात बोल रहे हैं। और हमारे ड्राइवर मौके पे थे, खाली गाड़ियों के साथ ही आदमी तोल रहे थे, राइट, जब ये मंडी का माल ले रहे थे। तो अभी अगर ये गोदाम सील किया जाए और इसकी सारी की स्टैकिंग की सारी चेकिंग की जाए तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बड़े अधिकारी भी इस खबर को देख रहे हैं कि जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि बारिश जो पानी है वो मारा गया, अगर जो आप डीसी मैडम तक ये खबर पहुंचनी है तो जाहिर तौर पर आप इसकी जांच जरूर करवाएं ताकि दूध का दूध जो है पानी का पानी हो सके। आप चट्टों में देखिए ना, बोरी में कहीं पानी है नजर आया आपको? जी आप देखो, देखो ये सुरपास की बोरी है, यदि पानी आएगा तो ये रख रह जाएगी। आप ये देखो ना, इधर देखो, आप आगे चलो, आप ये कह रहे हैं ना पानी मारा, अभी आप जहाँ पानी लगेगा आप सल्फास ऐसे रुक जाएगी, ऐसे रुक जाएगी सल्फास, कहाँ पानी देखो, इधर भी देखो सर, इधर भी देखो, इधर आगे कट्टे पड़े हैं। हाँ हाँ, वहाँ वहाँ क्या दिक्कत आ रही है बताओ सर, कौन सुने आगे इसी साइड ले चलते हैं आपको। हाँ, सिर्फ जो बरसात आई है ना सर, देखो इस साइड में कहीं भी पानी नहीं आपको नजर आया, सिर्फ उस साइड से बारिश आई थी और उतना भारी तूफान था उस दिन 10 तारीख को कि आपने कहीं भी कोई नहीं बचा, पता नहीं कितने पेड़ खड़े हुए। वो तो 10 तारीख, आज 15 तारीख होगी सर, 15 तारीख वो बरसात का बरसात तो उसका मोस्टर तो बढ़ेगा ना इधर का, सिर्फ और ये इधर, ये इधर कट्टे गीले पड़े हैं जी, इधर कहाँ पानी आ गया, देखो ये देखो इधर रोशनदान से वहाँ से पानी आया, ये देखो तो ये पानी यहाँ तक आया है नीचे। ठीक, यहाँ से देखो यहाँ सूखा पड़ा है, यहाँ तक रुका है ना, इधर इधर में देखो आप नजर मारिए, इधर भी पानी था सर यहाँ पे ना, वो देख वो आप वो कट्टे देखिए, वो जो दिखा रहे हैं वो गिला कट्टा कैसे हो गया जी, अरे ये किसी ने यहाँ डाला है, जानबूझ कर डाला है किसी ने, ये हमारा है, किसी ने यहाँ वाला नहीं है, ये डाला है खाली कट्टा पड़ा, देखो ये खाली कट्टा है, मोर लग रही है। आप आपको आप सर मैनेजर साहब इसको छोड़िए, आप ऊपर नजर मारिए, वो सेकंड बोरी आपको दिख रही है, चलो ले आओ, कोई बात नहीं, वो देखो वो किसने बदल दिया, कह दो जो गिल्ले चट्टे तो गाड़ी में लोड हो चुके हैं सर, कोई देखो गिल्ला कट्टा नहीं है सर, ये बताओ कहाँ गिल्ला, देखो अरे देख तेरे को कौन पूछ रहा है भैया, कोई बात नहीं है, ये दिखाएंगे जो गिल्ले चट्टे गाड़ियों में लोड हो चुके हैं, उनको धूप लग चुकी है, आप कैसे कह रहे हैं, ये क्या चीज है, आप ये देखो ये क्या है सर, कैसे कह रहे हो आप ड्राइवरों के, कैसे बदनाम कर रहे हो सर, ड्राइवरों के कैसे बदनाम कर रहे हो आप, जो गिल्ले चट्टे थे आपके आप गाड़ी में लोड हो चुके हैं और उनको दो घंटे चार घंटे से गाड़ियां खड़ी है, चार घंटे से गाड़ियां लोड खड़ी है सर, गाड़ियां लोड करवाओ, एक चक्कर किलो माइनस कर दिया, आज आज आना, पानी किसी ने नहीं मारा, पानी किसी ने नहीं मारा, ये सिर्फ लड़ाई है आपसी की, पीछना मेरे को चाहते हैं, सिर्फ मैंने लाइन में ये कह दिया लाइन में लगाओ गाड़िया, और कोई लड़ाई नहीं हमारी, ये तो जानबूझ का मेरे को परेशान किया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है, अगर जांच हो जाए तो आप जांच करवाना चाहेंगे, जांच करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम जांच करने के तैयार हैं, बिल्कुल। क्या नाम आपका? रणधीर सिंह। आप यही मैनेजर हैं? कब से मैनेजर? हाँ जी, कब से? मैं 2014 से हूँ यहाँ पे। हाँ जी, तो ये मामला जो है जांच का विषय है, क्योंकि इनका कहना है कि बारिश का पानी है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर साहब दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं जी इन्होंने पानी मारा है, तो बाकी अगर जो इसमें कुछ सच्चाई है तो बड़े अफसरों को इस मामले में जांच करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, क्योंकि पिछले दिनों आपको शुगर मिल के सामने की तस्वीरें हम लोगों ने आपको दिखाई थी, वहाँ कुछ और मामला था, वहाँ कट्टे जो है उतार कर दुकानों के बीच में रखे जा रहे थे, जो आपने उन लाइव तस्वीरों में आपको दिखाया था कि किसी सज्जन ने रिपोर्ट की थी, उसके बाद सारे ऑफिसर वहाँ पर पहुँचे थे खबर देखने के बाद। तो अभी ये जो ड्राइवर है, ड्राइवर का आरोप है कि इन्हें बदनाम किया जा रहा है, लेकिन मैनेजर साहब ये कह रहे हैं कि
उनके खिलाफ जो है साजिश रची जा रही है। तो फिलहाल ये जांच का विषय है, जांच में पता लग पाएगा कि सारे मामले में क्या सच्चाई है। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कम्फर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में, साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।